हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था आई कार्ड या आई बटन के बारे में, कैसे हम अपनी वीडियो पे आई बटन लगा सकते हैं और कैसे हम अपनी वीडियो का जो है प्रमोशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड स्क्रीन के बारे में। ये भी आई कार्ड जैसा ही है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है अपने क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद, चलो मैं आप सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एंड स्क्रीन कैसे वर्क करती है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपनी ओपन करते हो क्रिएटर स्टूडियो में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फोर्थ ऑप्शन एंड स्क्रीन। सिंपली आप यहाँ देख सकते हो एंड स्क्रीन का यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे एंड स्क्रीन लगाई है, आप देख सकते हो मेरी चार वीडियो यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी। अब मान लीजिए मुझे दूसरी किसी जो है वीडियो पे एंड स्क्रीन लगानी है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका यूज है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो फ्रेंड, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक बनते ही आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो दिलाता रहता हूँ, और शेयर करना ना भूले। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में डाल के कैसे हम जो है एंड स्क्रीन लगा सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी जो है किसी भी जो है वीडियोज़ में आप चले जाएं, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से अपनी जो है वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप जो इसमें एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। एंड स्क्रीन का सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि आपको जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म होने वाली होती है, आखिरी के लास्ट के जो आपके 10 सेकंड या 15 सेकंड पहले आपको जो है चार व्यू दिखाए जाते हैं आपकी वीडियोज़ के, जो कोई भी आपकी वीडियोज़ पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक आपकी जो है नेक्स्ट वीडियोज़ प्ले हो जाती है। ये भी एक जो है आपकी वीडियो के प्रमोशन का एक तरीका है। यहाँ से आप अपनी जो है वीडियो का प्रमोशन कर सकते हो, एक वीडियो के साथ साथ आप जो है अपनी चार अनदर वीडियो का जो है प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको अपनी जो है कोई भी वीडियो ले लेनी है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अपनी एक वीडियो ले लेता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपको कैसे एंड स्क्रीन लगानी है, कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो सिंपली आपको जैसे आपकी यहाँ पे ये ओपन हो जाती है वीडियो, सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो है ऊपर से फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है एंड स्क्रीन ऑडियो के बाद, तो सिंपली आपको जो है एंड स्क्रीन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो है ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से जो है आप यहाँ पे अपनी चार वीडियो यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड एलिमेंट, तो यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है। टैप करने के बाद वही ऑप्शन जो आपको आई कार्ड या आई बटन में दिया जाता है, तो यहाँ पे वीडियोज और प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब, चैनल और लिंक, आप यहाँ पे अपना जो है चैनल प्रमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जो है एंड स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ, इन जो है चैनल प्रमोशन के बारे में आपके लिए कोई और वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, वीडियो पे एलिमेंट पे जाना है, ऐड एलिमेंट, उसके बाद वीडियो और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाए जाते हैं आपको किस टाइप से आपको जो है अपनी वीडियो का जो है एंड स्क्रीन लगाना है। तो मैं सिंपली अपनी यहाँ पे वीडियो लगाऊंगा, और जैसे चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही मेरी जो है यहाँ पे वीडियो जो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से अपनी कोई भी चार वीडियोज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहली वीडियो, और इसको जो है मैं यहाँ से क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपका जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। उसके बाद जैसे मुझे दूसरी वीडियो लेनी है, तो मुझे वही सिंपल वही प्रोसेस करना है, चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, अपनी कोई भी एक वीडियो ले लेनी है। जैसे मैं ये वीडियो ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे करना क्या है, या आप यहाँ पे सिंपली अपना जो है वीडियो का यूआरएल भी आप डाल सकते हैं। तो मैं क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये आपको यहाँ से ड्रैग करके आपको कहीं भी किसी भी कोने पे आपको एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद मैं आप अपनी जो है थर्ड वीडियोज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी कोई भी एक अच्छी सी वीडियो जिसका मुझे प्रमोशन करना है, तो मैं यहाँ से जैसे मैं ये वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और आपको जो है ड्रैग करके आपको यहाँ करना है, कहीं भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है। सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको जो है फिर से अपनी एक और वीडियोज पे क्लिक करना है और क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक करना है।
और आपको यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिंपली आपका जो है यहाँ पे आपकी चार वीडियो जो है हैंड स्क्रीन पे लग चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो वीडियो है 7 मिनट 12 सेकंड की, तो ये जो एलिमेंट जो यहाँ पे वीडियो का एंड स्क्रीन लगा है वो 6:52 सेकंड पे जो है 6:52 सेकंड पे लगा है। तो आप यहाँ से इसको जो है 10-15 सेकंड पहले आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद जो है आप सिंपली आपको करना क्या है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एक बार फिर आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेव का ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको जो है एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार से प्ले करके ये यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है क्या। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको जो है अपनी वीडियोज़ में जाना है, वीडियोज़ में जिस पे आपने एंड स्क्रीन लगाई है वो वीडियो सिंपली आपको जो है ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको जो है उसी टाइमिंग के आसपास आपको जाना है और उसके बाद जो है आपको प्ले करके देखना है। सिंपली आपको जो है प्ले और इनके जो है सब्सक्राइबर के बारे में, तो बने रहें इनके साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो है चार जो है वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, मींस आपकी जो है एंड स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में कि हम कैसे अपनी एंड स्क्रीन अपनी हर वीडियोज़ के अंदर लगा सकते हैं, कैसे अपनी वीडियोज़ का हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए।